मेरे जो YouTube व्यूअर्स हैं उनकी अक्सर मुझसे एक शिकायत रहती है कि सर आप मोस्टली जो पैक बताते हैं या अपने जो प्रोडक्ट बताते हैं वो प्रोडक्ट जो हैं वो एक एवरेज लोगों के लिए प्रोडक्ट होते हैं या एक हाई क्लास सोसाइटी के लिए प्रोडक्ट होते हैं। तो हम लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं या कुछ फाइनेंशियल जो है वो दिक्कतें हैं, तो कृपया इस तरह का कोई पैक बताइए जिससे हमारे घर का जो है वो लोड भी चल जाए और कम से कम पैसे में हमारा काम हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिस प्रोडक्ट की कीमत आपकी उम्मीद से कम है और जिसका रिजल्ट आपकी उम्मीद से ज़्यादा है। मतलब एक पैनल से आप अपने घर का पूरा लोड चला सकते हैं और वो भी इतने कम प्राइस में कि मतलब आप यकीन नहीं करेंगे। साथ ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको इस पैनल को किस तरह से आप यूज करें ताकि आप अपने घर का पूरा लोड चला पाएं। अगर इसको आप ट्रेडिशनल वे में आप यूज करेंगे, जैसे कि परंपरागत हमारे तरीके होते हैं उस तरीके से अगर आप यूज करेंगे, तो फिर तो आपके लिए एक 200 वाट का पैनल ही रह जाएगा। पर अगर आपने इस पैनल को उस तरह से यूज किया जिस तरह मैं आपको बताऊँगा, तो डेफिनेटली ये एक पैनल आपके पूरे घर का लोड भी चला देगा और आपके बजट में ये पैनल फिट है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में मार्केट में दो तरह के पैनल आपको देखने को मिलते हैं। एक तो जो साइज़ होता है, पैनल के साइज़ वाइज मैं बात कर रहा हूँ, तो एक का जो साइज़ होता है वो होता है 2 मीटर बाई 1 मीटर, मतलब कि 2 मीटर उसकी लंबाई है और 1 मीटर चौड़ाई है, जिसमें आप लोगों को 325 से लेके 500 वाट तक का पैनल मिल जाएगा। दूसरा जो साइज़ है वो है 4.9 × 2.2 square feet, मतलब कि लगभग 5 फीट ये पैनल लंबा है और 2.2 जो फिट है वो चौड़ा है। तो ये जो पैनल है, इस पैनल में आपको मार्केट में तीन तरह के जो ऑप्शन हैं वो देखने को मिलेंगे। इस साइज़ में सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पोली पैनल्स के साथ में, और पोली पैनल्स में आपको ये जो पैनल मिलेंगे ये 160 वाट से लेके 170 175 वाट तक का ये पैनल आपको मिल जाएगा इसी साइज़ में। इसी साइज़ में अगर हम लोग बात करें मोनो की, तो मोनो में आपको 170 वाट से लेके 195 वाट तक का पैनल मिल जाएगा, और इसी साइज़ में हम लोग बात करें बाइफेशियल पैनल की, तो आपको 200 वाट का पैनल इसी साइज़ में मिल जाएगा। और 200 वाट का पैनल का मतलब है बाइफेशियल में कि केवल मैं उसका आपको फ्रंट साइड का जनरेशन आपको बता रहा हूँ, मतलब कि केवल जो फ्रंट साइड है उसका, फ्रंट साइड का जनरेशन उसका 200 वाट है, बाकी ओवरऑल जनरेशन की बात करें तो 240-250 वाट तक हो सकता है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आज इसी पैनल के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये 200 वाट का जो पैनल है आप इसको किस तरह से यूज करें कि आपके घर का पूरा लोड इस पर चल जाए। तो सुनने में आप लोगों को जो है वो अनकॉमन सी बात लग रही होगी, पर ये सच है। अगर आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप मेरी बात से कम्प्लीटली एग्री हो जाएंगे कि हाँ, इस पैनल से जो एक डेली आवश्यकताएं हैं हमारी वो सारी पूरी हो सकती हैं। इस साइज़ में आपको दो तरह के पैनल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एक पैनल जो है, जब उसका पीछे जंक्शन बॉक्स आप देखेंगे, तो जंक्शन बॉक्स के अंदर आपको 1 मीटर का 1-1 मीटर का प्लस और माइनस का वायर जो है वो लगा हुआ मिलेगा। और दूसरा जो पैनल है उसके अंदर आपको जो जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स तो मिलेगा पर उसके अंदर कोई एडिशनली वायर नहीं होगा। तो ये दोनों तरीके के जो पैनल हैं इनमें परफॉर्मेंस वाइज जो है ये कोई अंतर नहीं है। कई बार आपको हो सकता है कि आपको पैनल जो है वो मिले कि जिसके अंदर आपको वायर लगे हुए हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये वाला पैनल बिना वायर के मिल जाए। तो बिना वायर के अगर आपको ये पैनल मिलता है तो आपको करना ये है कि पैनल का जो पीछे जंक्शन बॉक्स है उसको खोल लेना है और 4mm से लेकर 6mm का DC वाला वायर जो है उसके जंक्शन बॉक्स में लगा देना है, और अगर संभव हो जाए तो उसको आपको सोल्ड करा देना है। जो आयरन होती हैं जिससे टाके लगाते हैं लोग, अक्सर टाके लगाते हैं, तो उसी आयरन से अगर आप उसको सोल्ड करा देंगे तो पैनल जो है ना तो आपका कभी जंक्शन बॉक्स खराब होगा और वो पैनल भी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पैनल है इसको लगाने का दो तरीके हैं कि दो तरीके से आप इस पैनल को यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आपको अपने घर का 24 घंटे का अगर आपको लोड जो है वो अपने घर का लोड आपको चलाना है, तो आपको एक बैटरी की जरूरत इसमें पड़ने वाली है। बैटरी आप 50 AH से लेके और 120 AH तक की बैटरी आप इसके लिए ले सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि मार्केट में जब आप 50 AH की बैटरी लेने जाएंगे या 120 AH की बैटरी लेने जाएंगे, तो ज़्यादातर जो बैटरी हैं वो आपको ऑटोमोटिव बैटरी मिलेंगी। तो ऑटोमोटिव बैटरी की ना तो उतनी लाइफ होती है ना उतना वो कंटिन्यूसली बैकअप दे पाती हैं। तो अगर आप 50 AH से लेके और 120 AH तक की अगर आप बैटरी लेने जा रहे हैं, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप
जो हैं वो सोलर C10 बैटरी वो मार्केट से बाई करें। तो इस पैनल को लगाने के दो तरीके, जैसे मैंने आपको बताया, एक तरीका ये कि आपने अपने पैनल को जो है वो बैटरी पे कनेक्ट कर दिया, एक सोलर चार्ज कंट्रोलर आपने बीच में लगाया और आपने अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट का एक मार्केट से आप ले सकते हैं और पैनल को आपने एक कंट्रोलर के साथ में अपनी बैटरी से सीधा लगा दिया। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको 24 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि कुछ लोग इस तरह के हैं, भाई दुकानदार भाई हैं हमारे, उनको दिन दिन में चलाना है, या कोई इस तरह के शॉपकीपर हैं उनको दिन दिन में चलाना है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केवल डे टाइम के लिए ही अपना कूलर पंखे चलाने हैं, तो वो लोग जो हैं वो इस पैनल को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। पर डायरेक्टली जो यूज़ करना है आपको वो किस तरह करना है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि ये पैनल जो है आपके घर का क्या क्या लोड चला देगा। तो एक घर में, एक जो नॉर्मल घर है उसमें सबसे पहले ज़रूरत होती है लाइट की। तो लाइट में 5 से 7 वाट की LED जो बल्ब होते हैं वो LED बल्ब मोस्टली लोग यूज करते हैं। इसी के साथ में डायरेक्ट इस तरह की भी सोलर लाइट आती हैं जो डायरेक्ट DC ऑपरेटेबल हैं। तो आप DC ऑपरेटेबल जो लाइट्स हैं उनका अगर आप यूज करेंगे तो आपको बैकअप ज़्यादा मिल जाएगा। अब यूज करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जितने भी आपको इक्विपमेंट्स मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में, उन सब में आपको एक बैटरी की जरूर रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो बैटरी के साथ आप ये सारा लोड चलाएं, आप सीधा पैनल से लोड ना चलाएं। सीधा पैनल से कैसे लोड चलाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक घर में सबसे पहले जरूरत पड़ी लाइट की, तो आप DC लाइट ले सकते हैं। दूसरा, घर में जरूरत पड़ती है फ़ैन की, तो आप DC फ़ैन ले सकते हैं। DC फ़ैन की जो DC में पावर कंजप्शंस होते हैं वो होते हैं 1 एम्पियर से लेके और 2.5 एम्पियर तक के उनके पावर कंजप्शंस होते हैं। इसके साथ ही आपका कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई उनको कूलर चलाना है, दुकानदार भाई हैं या घर पे हैं, कूलर चलाना है, तो कूलर में आप लोगों को करना ये है कि आपको DC कूलर लेना है, आपको AC कूलर नहीं लेना है। इन्वर्टर की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ ये विदाउट इन्वर्टर सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इन्वर्टर आपको नहीं लगाना है और जितने भी आपको लोड चलाने हैं वो सीधे आपको DC लोड चलाने हैं। तो जो फ़ैन आपको चलाना है वो DC फ़ैन आपको चलाना है, जो कूलर आपको चलाना है वो DC कूलर आपको चलाना है, जो लाइट आपको चलानी है वो DC वाली होनी चाहिए। इसी के साथ में घर में जरूरत पड़ती है मोबाइल चार्जिंग की, तो मोबाइल चार्जिंग जो है वो भी आप इससे कर सकते हैं, DC मोबाइल चार्जर आते हैं। तो अभी आपको इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि आपके पास में बैटरी है, बैटरी DC करंट आपको बना के दे रही है और ये जो पैनल है ये इतना कैपेबल है कि इस बैटरी को फुली चार्ज कर सकता है। अब घर में एक चीज़ और बच जाती है, वो बच जाती है TV। अब TV तो आप DC ले नहीं सकते, तो उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि मार्केट में एक 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में एक DC कन्वर्टर आते हैं, DC to AC कन्वर्टर। वो आते हैं सिर्फ आपके जो ये TV होते हैं इस तरह के लोड चलाने के लिए, आप उसे TV चला सकते हैं। तो वो खर्चे वाला ज़्यादा काम नहीं है उसमें, मतलब 250 रुपये का आपको कन्वर्टर बोलते हैं उसको, DC कन्वर्टर। आप किसी भी दुकानदार से जाके बोलेंगे कि DC कन्वर्टर हमें चाहिए 100 वाट का या 150 वाट, इस तरह आते हैं वो, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, तो आप 100 वाट का भी ले लेंगे। तो 100 वाट का जो आपका ये DC कंट्रोलर होता है ये आपकी जो TV है उसको कम्प्लीटली चला देता है। तो फ्रेंड्स अब ये सारे लोड अगर मैं इकट्ठा कर दूँ कि मना आपको पूरे दिन DC जो है फ़ैन चलाना है, और DC फ़ैन में भी दो तरह के फ़ैन आएंगे, एक छोटा वाला फ़ैन होता है, एक बड़ा वाला फ़ैन होता है। बड़े वाले फ़ैन को तूफ़ान फ़ैन बोलते हैं, जो हमारी जनरल बोलचाल है। तो अगर आपने तूफ़ान फ़ैन भी आप यूज़ कर रहे हैं DC का, उसके अलावा आपने दिन में TV भी चला लिया, तो भी रात के टाइम में ये जो हमारा पैनल है ये इतना कैपेबल है कि दिन भर आपका ये सारा लोड चला के बैटरी को इतनी चार्ज कर देगा कि रात के टाइम में आप अपना TV चला सकते हैं, आप 2-4 घंटे फ़ैन चला सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी लाइटिंग है वो अपनी लाइटिंग आप जला सकते हैं, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं सिर्फ एक 200 वाट का पैनल। तो ये एक तरीका कि आप किस तरह से अपने जो घर के लोड हैं उनको मात्र 200 वाट पैनल से चला सकते हैं। अब ये पैनल चला क्यों देता है इतने सारे लोड को और मात्र 200 वाट का पैनल क्यों चला देता है? वो इसलिए चला देता है कि पहली बात तो ये बायफेशियल पैनल है। बायफेशियल पैनल का एडवांटेज आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कि ये है कि दोनों तरफ से काम कर रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं तो 200 वाट तो पैनल से मिल ही जाना है। नंबर दूसरी बात ये कि बायफेशियल पैनल लो लाइट में काम कर रहा है, तो लो लाइट में भी आपका काम चल जाएगा। तीसरी बात, ये बायफेशियल पैनल जो है ये इतना, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ग्लास की वो ज़्यादा होती है, ग्लास की मोटाई जो है ज़्यादा होती है, तो आपके टूटने फूटने का खतरा भी नहीं है। और वारंटी की बात करूं तो ट्रेडिशनल पैनल की जो वारंटी मिलती है आपको मिलती है 25 साल, पर बायफेशियल पैनल की जो वारंटी आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 30 साल। तो 30 साल आपको वारंटी मिली, दोनों तरफ से आपका पैनल जो है वो काम कर रहा है, तो आपके घर के जो लोड हैं ये सारे लोड चल जाएंगे। अब टेक्निकली भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारे लोड किस तरह चल जाएंगे, तो इस तरह चल जाएंगे क्योंकि आप डायरेक्ट DC लोड इस पर चला रहे हैं, तो जो कन्वर्जन लॉस है वो कन्वर्जन लॉस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब जो DC फैन होता है हमारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 20 से 25 वाट का जो पावर कंजप्शन होते हैं DC फैन के,
डीसी कूलर की मैं बात करूँ 50 वाट के पावर कंजप्शन होते हैं, डीसी लाइट की मैं बात करूँ तो 2 से 3 वाट 4 वाट का पावर कंजप्शन होता है, डीसी चार्जर की मैं बात करूँ तो 3 से 4 वाट 5 वाट का उसका जो है वो पावर कंजप्शन होते हैं। तो चूँकि पावर कंजप्शन ही कम है और आपने सीधे डीसी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आप चला रहे हैं, तो ये जो पैनल है ये केवल एक पैनल आप बाई कर लीजिए, ये एक पैनल ही इतना सफिशिएंट है कि आपके सारे लोड चला देगा। थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना है तो उस हिसाब से आपको अपना पैनल जो है वो मैनेज करना पड़ेगा कि भाई अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना है, मतलब पूरे दिन रात आपको कूलर ही चलाना है, उसके अलावा फ़ैन भी साथ में आप चला रहे हैं तो, और उसके अलावा साथ में आपने टीवी भी चला लिया, तो उस कंडीशन में तो ये पैनल जो है वो एक बार आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। बाकी आप एक टाइम पे एक ही चीज़ चला रहे हैं, मतलब आपने कूलर चलाया 4-6 घंटे, दिन भर आपका फ़ैन चल रहा है कूलर के अलावा, कूलर आपने बंद कर दिया फ़ैन चल रहा है, 2-4 घंटे आपका टीवी चला, नाइट के टाइम पे आपकी लाइट जल गई, तो ये जो पैनल है ये इतना कैपेबल कि आपके ये सारे लोड चला देगा। अब दूसरा, कुछ लोग इस तरह के भी हैं कि जिन लोगों को ये है कि भाई हमारा दिन बैटरी हमें लगानी नहीं है, सिर्फ हमारा पैनल से लोड चल जाए, तो उन लोगों को मोस्टली ज़रूरत पड़ती है डीसी फ़ैन की, और डीसी फ़ैन या डीसी कूलर वो चलाते हैं और शाम के टाइम पे उनकी एक लाइट होती है वो चलाते हैं। तो उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि आप डायरेक्ट अपने फैन से, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि डायरेक्ट पैनल से वो अपने फैन को, डीसी फैन जो होता है उसको चलाते हैं या डायरेक्ट डीसी जो कूलर होता है उसको चलाते हैं, और उसको ये फिर ये बोलते हैं कि बैटरी से चला रहा हूं तो ये मंदा चल रहा है और अगर मैं डायरेक्ट पैनल से चला रहा हूं तो ये बहुत तेज चल रहा है। तो फ्रेंड्स, उसका तरीका ये है कि आप उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप जब डीसी आप बैटरी से उसको चला रहे हैं तो उसको कांस्टेंट 12 वोल्टेज मिल रहे हैं, पर जब आप पैनल से चला रहे हैं तो पैनल का वोल्टेज जो है वो 12 नहीं होता है, वो 22 वोल्ट पैनल से निकल रहे होते हैं। तो 22 वोल्ट से जब कोई भी आपका मोटर चलेगी तो नेचुरल सी बात है कि वो अपनी जो उसकी नेचुरल स्पीड है उससे 1.5 गुनी ज़्यादा स्पीड से वो चलेगी। तो इस तरह अगर आप अपना कोई डायरेक्ट लोड चलाते हैं कि आपने मोटर उससे डायरेक्ट चला ली सीधा पैनल से, या आपने लाइट जो है वो सीधी चला ली, तो ये 90% जो है ये प्रोबेबिलिटी है, ये संभावना है कि आपका जो भी आपका फ़ैन है या जो भी आपका डीसी कूलर है उसको फूकने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको डायरेक्ट ये लोड भी चलाना है तो आप डीसी चार्ज कंट्रोलर आप उसके लीजिएगा, जो चार्ज कंट्रोलर्स होते हैं तो चार्ज कंट्रोलर आप लीजिएगा, और चार्ज कंट्रोलर के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट तो बैटरी में जा रहा होता है जिसको आपको बैटरी कनेक्ट करनी है तो ताकि बैटरी आपकी ओवर चार्ज ना हो, और दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है डायरेक्ट लोड चलाने के लिए। तो आप जो चार्ज कंट्रोलर है, चार्ज कंट्रोलर के थ्रू आप लोड चलाएं तो आपका जो फ़ैन है वो आपका फ़ैन भी सीधा आपका चलता रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा, आपका कूलर है वो चलता रहेगा, टीवी चलता रहेगा, बाकी आपके सारे लोड जो है वो चलते रहेंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लोड अपना चला सकते हैं। अब जो बात है कि ये जो पैनल है इसकी प्राइसिंग क्या है और ये पैनल जो है कहाँ से आपको लोगों को मिलेगा, तो फ्रेंड्स इस पैनल की जो प्राइसिंग है वो है 9,000 रुपये, और आप इस पैनल को हमारे किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हैं। आपके नियर अबाउट में हमारे कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका पता जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जा सकते हैं। हमारे वहाँ पे सेल्स जो मैनेजर्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके नंबर दिए हुए हैं, आप उनको कॉल करके जान सकते हैं, या जो हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पर भी आप लोगों को हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर मिल जाएंगे। आपको अगर आपके क्षेत्र में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप डायरेक्टली हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट से आप ये पैनल जो है बाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा रहेंगे, एज एक्चुअल जो भी ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका लगेगा वो एज एक्चुअल रहेगा और एक्स्ट्रा रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो और ये पैनल दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।